दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से पुष्प फिल्म के 27वें डे के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कलेक्शन एस्टिमेट्स के बारे में। सबसे शो यहाँ आपको ये लगा होगा कि आज आपको किसी भी तरह से कलेक्शन नहीं मिले होंगे, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो हमारे कलेक्शन रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो गलत नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको ये मैं कहूँ कि अगर इस फिल्म ने कुछ नहीं तो 90 लाख के आसपास तक की कमाई की होगी, उससे कम नहीं गिरा होगा ये कलेक्शन, और 90 लाख के अगर आसपास की कमाई हुई होगी तो इसका कलेक्शंस अल्टीमेटली जाता हुआ नजर आएगा आपको कम से कम 82.38 करोड़ कब तक का, D26 तक का, ठीक है, 90 लाख इसकी कमाई पकड़ लीजिए। अब बात करते हैं इसके 27वें दिन यानी कि आज के दिन। मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि इसके शोज जो है काफी अच्छे अभी भी है, और यहाँ पे एक मराठी फिल्म है जो फ्राइडे को आ जाएगी, नाय वरण भात लोंचा कोन नाय कोंचा करके, उसके पास भी काफी स्क्रीन्स चली जाएगी, लेकिन फिर भी इसके पास काफी स्क्रीन्स बची रहेंगी। और शाम तक की शोज है, रात को शोज नहीं है, 9:30 के बाद कोई भी शोज नहीं है, 9:30 तक ही शोज अलाउड है, उसके बाद बंद कर दी जा रही थिएटर्स। तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी 9-10% है मॉर्निंग शोज की, D27 की। आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी 12-13% है, यानी कि ज्यादा ड्रॉप नहीं है। 18-19% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग शोज में है, और नाइट शोज मतलब कम से कम ना के बराबर है, क्योंकि कई सारी जगह नाइट शोज अभी भी चालू है, स्पेशली मुंबई के या महाराष्ट्र के बाहर। और यहाँ पे एक एवरेज ऑक्यूपेंसी अगर आप पकड़ ले तो 12-13% के रेंज में है। और अगर कलेक्शंस के हिसाब से आप सोचा जाए कि कलेक्शंस कितना हो, तो कलेक्शंस में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ड्रॉप जरूर है जो आपको एडजस्ट उसके साथ करना पड़ेगा। यानी कि ड्रॉप है कम से कम 5% से 7% तक के आसपास का ड्रॉप रहेगा। कलेक्शंस यहाँ पर वापस से 70 लाख से 90 लाख के रेंज में नजर आ रहे हैं, और 70 लाख से 90 लाख के रेंज में अगर कलेक्शंस हुआ आज तो टोटल ये जाकर पहुंचेगा 83.08 करोड़ से लेकर 83.28 करोड़ तक का। यानी कि 83 करोड़ ये फिल्म आज किसी भी हाल में कमाई कर लेगी। यानी कि कल का दिन मिलाकर, यानी कि D28 मिलाकर, यानी कि 4 हफ्ता मिलाकर इसका कलेक्शन 84 पार होना ही होना है। उसके बाद 5th वीकेंड में कैसा कलेक्शन करेगा वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि फ्राइडे को वैसे ही फिल्म हिंदी डब वर्जन में आ ही रही है, तो कल का एक अच्छा खासा वक्त इसके बाद है। उसके बाद ये OTT पर आने के बाद कैसा कलेक्शन करेगी ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिल्म 90 करोड़ तक का लाइफ टाइम कम से कम लेके एंड होगी, 88 से 90 करोड़ तक का लाइफ टाइम लेके कम से कम ये हिंदी डब वर्जन में एंड होगी, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है इस सिचुएशन में। फिलहाल कितना है।